लैंड क्रूजर खड़ी की हुई है गिफ्ट करने के लिए। लैंड क्रूजर को तो ये लोग कुछ समझते ही नहीं है भाई। इसको स्कैन कर लो तो आप लोगों को ये लैंड क्रूजर विन कर सकते हो। ये यहाँ पे नाइकी वगैरह के स्टोर हैं, तो अभी मुझे सॉक्स चाहिए तो मैक्स पे चलते हैं, वहाँ से जाके मैं सॉक्स ले लेता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज ये इंट्रो मैं कुछ तीसरी चौथी दफ़ा शूट कर रहा हूँ, तो इंट्रो में ऐसे शूट ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ये डिफरेंट टाइप की वीडियो है शायद, इसलिए पता नहीं डिफरेंट टाइप की है नहीं है। आप लोग आगे चल के देखो कि इस वीडियो में है क्या। तो इंट्रो में अब दोबारा से शूटिंग करा यही जाने दूंगा, तो लेट्स गो। यहाँ पे एक बेकरी है, इसकी एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त लगती है मुझे, यूरोपियन फील आती है सारी यहाँ पे। इवन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, इन चीज़ों को देख के मुझे बिल्कुल फ्रांस की फील आती है। अच्छा, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ये थोड़ा हार्ड होता है। ये सिर्फ 3 दिरहम का या 2 दिरहम का भी मेरे ख्याल से ये लास्ट टाइम मैंने देखा था। तो ये चीज़ें देखने में बहुत प्यारी लगती हैं, बट ट्राई नहीं किया कभी मैंने। आई डोंट नो, है हार्ड है थोड़ा, कभी दिल नहीं कर रहा, वरना लाजमी ट्राई कर लेता मैं। लेकिन ये जो है ना ओवन, देखो किस तरह का बनाया हुआ, काफ़ी एक ज़बरदस्त एक फील आ रही है यार ये चीज़ें देख के। अच्छा, ये यहाँ पे फ्रूट का सेक्शन है जो कि काफ़ी एक यार ज़बरदस्त लग रहा है। ये भी एक काफ़ी ज़बरदस्त फील है। यहाँ पे देखो ना किस तरह इन्होंने पैक कर करके रखे हुए हैं, तो ये फ्रूट्स वगैरह हो गए। अच्छा, मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे तो इनका सीन ये होता है कि ये रैपर होता है, ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने इसको निकालना है और इसके अंदर इसको खोल के आपने जो चीज़ भी लेनी है वहाँ से उसके अंदर डाल के उसका वेट करवा के उसका, मतलब अपनी मर्ज़ी से आप जो मर्ज़ी चीज़ सेलेक्ट करना चाहो, ये लेना है एप्पल, ये लेना, ये लेना, जो मर्ज़ी लेना, जितना मर्ज़ी क्वांटिटी लो, कम लो, ज़्यादा लो, कोई मसला नहीं होता। तो ये चीज़ होती है। ये क्या है भाई बनाना, ये किस कलर का है ये? या तो पुराना हुआ पर, लेकिन फिर भी यार ऐसा कलर तो नहीं होता बनाना का। बनाना रेड, रेड बनाना फ्रॉम इंडिया, अगर किसी को पता तो मुझे बताओ, इसका मुझे नहीं पता। काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सिमिलरली इस तरह यहाँ पे जूस वगैरह हो गए, कोक वगैरह हो गई, बोतलें वगैरह, ये देखो पेप्सी के डिफरेंट फ्लेवर, नो शुगर ब्लैक पेप्सी, इसके अंदर ये जो है स्ट्रॉबेरी वाली पेप्सी है, ये नॉर्मल पेप्सी है, उसके बाद ब्लैक पेप्सी, ये सिंपल, काफ़ी सारे इसमें टेस्ट हैं यार। इस तरह कोला है, ज़ीरो है, इसमें लाइट है, डिफरेंट है, बारबेक्यू, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में ऐसे मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पे मशीन है, खुद स्कैन करके पे कर सकते हैं, बट सर यहाँ पे रखो कॉर्नर पे, यहाँ पे ओके, चलो। तो ये कोक 2 हो गई और ये हो गई। तो कोक के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो कोक ले ली गई है और पेमेंट आपने देख ली है। काफ़ी इजी, लाइन में नहीं लगना पड़ा, वरना क्यू में लगना पड़ता है। वहाँ से कार्ड से पेमेंट करो, स्कैन करो, होती और आ जाओ साफ वाला ला। मैं अभी एक शॉपिंग सेंटर आया हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लैंड क्रूजर खड़ी की हुई है गिफ्ट करने के लिए। लैंड क्रूजर को तो ये लोग कुछ समझते ही नहीं है भाई, देख। तो ये वैल्यू है यहाँ पे लैंड क्रूजर वगैरह की। वैसे यहाँ पे हर जो है ना शॉपिंग सेंटर वाले ऑफर्स देते हैं, कभी लैंड क्रूजर, डिफरेंट डिफरेंट कार्स की देते हैं, तो इस बार इन्होंने ये लैंड क्रूजर की दी हुई है। ये सिटी सेंटर के अंदर लगी हुई है, चेक करो, शॉपिंग करो और लकी ड्रा में आपका जो ना डाल दो नाम, तो तब आप लोग जो है ना ये विन कर सकते हो। काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, साफ वाला। तो आप लोग यहाँ पे शॉपिंग कर लो कहीं से भी, उसके बाद रिसिप्ट होती है, यहाँ पे इनकी एक एप्लीकेशन है, उसको स्कैन कर लो तो आप लोगों को ये लैंड क्रूजर विन कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 200 दिरहम स्पेंड करने के बाद। अगर इफ़ यू आर लकी इनफ तो आप लोगों को ये लैंड क्रूजर मिल जाएगी। तो मैंने वैसे अपने लकी ड्रा में कई दफ़ा डाला है, डिफरेंट मॉल्स के अंदर, फॉर्चुनर थी, निसान सनी थी, तो इस तरह की कार से मेरी तो अभी तक कोई नहीं निकली है। यहाँ पे अगर मैं आज कोई शॉपिंग करता हूँ तो देखता हूँ लेमी सी कि क्या मेरी लैंड क्रूजर निकलती है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे सेल्स जो है वो अलग लगी हुई हैं, कार विन करने के लिए अलग लगा हुआ है। तो इन कंट्रीज़ में कितना अच्छा है ना। कितनी ज़बरदस्त, मतलब सेल्स भी लगी होती हैं, फिर ऊपर से आप लोग 200 स्पेंड करो तो आप लोगों को कार भी मिल सकती है, कहीं पे 50 दिरहम स्पेंड करने पर आप लोग लकी ड्रा में जा सकते हो। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, मज़ा आता है यार, ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे कार जो है वो अगर आप शोरूम पे लेने जाओ तो उन पे ऑफ लगी होती है, 20% 25% ऑफर चल रही होती है, कभी 50% भी ऑफ होता है, बहुत कुछ ऐसा लगा होता है। तो यार मेरे ख्याल से अपने कंट्रीज़ में भी ऐसा होना चाहिए। ये यहाँ पे नाइकी वगैरह के स्टोर हैं, तो अभी मैं अंदर जाने, ये यहाँ पे गेमिंग जोन है, उसके अलावा ये यहाँ पे सारा जो है फूड कोर्ट है इस साइड पे सारा, ये भी सारा फूड कोर्ट है। तो काफ़ी अच्छी एनवायरनमेंट है यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाई मुझे दुबई मॉल से भी ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ सिटी सेंटर में आने में, स्पेसिफिकली जिस सिटी सेंटर के अंदर अभी मैं हूँ यहाँ पे। एन्जॉयमेंट यहाँ पे खाने पीने के लिए ये भी चीज़ें जो है ना, जो भी मर्ज़ी चाहिए आपको मिल सकता है, फास्ट फूड की भी सब कुछ है, करीब करीब है, बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं जाना पड़ता इस साइड, ये भी रीज़न है। उसके बाद कैरीफोर वगैरह भी है इसमें, और शॉपिंग के लिए भी सारे ब्रांड्स हैं, और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है ओवरऑल, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना अच्छा लगता है, मोस्टली मैं आता रहता हूँ।
मुझे सॉक्स चाहिए तो मैक्स पे चलते हैं, वहाँ से जाके मैं सॉक्स ले लेता हूँ। तो लेट्स गो इनसाइड। तो ये मैंने सॉक्स ले ली हैं। तो ये सॉक्स हैं 25 दिरहम में, 10 मिल रहे हैं। जो मैक्स जो ब्रांड है वो सस्ती भी है और अच्छी भी है। तो अगर आप लोगों ने किसी ने कोई चीज़ लेनी हो तो देखो, ये 25 दिरहम में 10 सॉक्स, विच इज़ अ गुड डील आई गेस। बाकी और भी टाइप के बहुत सारे हैं, ये लिया मैंने ये। और तो मैंने सॉक्स यहाँ से ले लिए हैं। मैक्स अच्छी ब्रांड है यार, यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे सब स्टफ़ होता है, बच्चों का, बड़ों का, लेडीज़, जेंट्स, शूज़, जैकेट्स, शर्ट्स सब मिलता है यहाँ से। तो ज़बरदस्त है, लेट्स गो आउट। और राइट, तो अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं आगे क्या करना है, आज के क्या प्लान है, क्या नहीं है, या ये व्लॉग यहीं ख़त्म करना है, कल परसों से कंटिन्यूस करना है, जो भी है वो देख लेते हैं अभी। अभी चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है आज का। आज है वैसे फ्राइडे, तो फ्राइडे को क्या करना चाहिए। और मुझे कुछ एडिटिंग करनी है वीडियोस की, टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आज भी मैं किसी काम से पहले निकला हुआ था, अभी बस आते हुए मैंने सोचा सॉक्स वगैरह ले लूं, इस बहाने से मैं गया था यहाँ पे। और मोबाइल मुझे चेक करना था, मेन रीज़न ये थी, एक फ़ोन चेक करना था। तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ, देखते हैं क्या सीन बनता है। यहाँ पे लड़के जो है क्रिकेट भी खेल रहे हैं, मैं तो खैर खेलता नहीं क्रिकेट वगैरह, यहाँ पे खेल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और देखो यहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा है, ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं, फुल भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टी को। तो कल मैं घर आ गया था, कहीं नहीं गया था, तो आज डे 2 है। और अभी मैं जा रहा हूँ अयाज भाई के पास, उनसे मैंने कोई ड्रोन फुटेज लेनी थी, एक हमने व्लॉग किया था उसकी ड्रोन फुटेज है उनके पास, तो वो लेने जा रहा हूँ। प्लस हमारा प्लान बना के लंच एक साथ करते हैं, तो लेट्स गो। फुटेज मैंने ले ली थी, उसके बाद अभी हम जा रहे हैं लंच के लिए। अयाज भाई जा रहे हैं अपनी GMC पे और मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी के ऊपर। चलते हैं जाके, हम अभी पापा जॉन्स का आज पिज़्ज़ा खाने का मूड है, तो लेट्स गो एट पापा जॉन्स और जाके पिज़्ज़ा वीज़ा फोड़ते हैं। फाइनली वी आर हेड एट पापा जॉन्स, सामने मैकडोनल्ड है, लेकिन आज मैकडोनल्ड को मैं धोखा दे रहा हूँ। मैकडोनल्ड काफ़ी टाइम ही हो गया, मैं नहीं वैसे खा रहा, इतना मज़ा नहीं आ रहा मुझे। कैफा हाउ लुक या सिद्दीक, से हाय टू माय व्लॉग। हेलो गाइस, हाउ आर यू, एंड दिस इज मौसम व्लॉग्स। और वी आर एट पापा जॉन्स, मैकडोनल्ड को धोखा साथ साथ में यार, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और ये तो फूड आना स्टार्ट हो गया, ये वेजीज हैं, इसके अंदर पोटैटो हैं, और उसके अलावा यहाँ पे चीज क्या था, ये ये क्या चीज़ है भला, चीज़ क्या था ये, मुझे नाम भूल गया इसका, कुछ तो था बस, चीज 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 वाला कुछ है, वो आ गया, पिज्जा वगैरह अभी आ रहा है, लेट्स ईट। और तो फूड जो है ना आ चुका है, पिज्जा हो गया और ये चीजी चीजी कुछ है, आई डोंट नो, मैं भी नाम भूल गया हूँ, यासर भाई भी इसका नाम भूल गए हैं, जो भी नाम है इसका उसे पूछना था ना, उसे पूछ, चले खैर है। और ये पोटैटो है, वेजीज है, ये वैसे आप जानने वाले जितने भी है उनको पता होगा, कमेंट में बता दो अगर है तो। पता है या नहीं पता, खाओ। नाम जरूरी नहीं, खाना जरूरी है, भूख लगी पी है, भूख लगी पी। अच्छा ये स्वीट में है, यहाँ पे कुछ मंगवाया गया है, इसका नाम भी मुझे नहीं लगता कि याद हो, भूल गया। चॉकलेट स्क्रूल्स, चॉकलेट स्क्रूल, लेकिन ये है सिनेमोन एंड चॉकलेट ऊपर टॉप पे थोड़ा पड़ा हुआ है बस। इसकी चॉकलेट की स्मेल बहुत जबरदस्त आ रही है, और आई गेस ये हाँ गर्म है,
24 को जरा फोड़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा आपने वो कैरी फोर में तो देखा था, यहाँ पे एक दूसरी मार्केट भी है इस तरह, ये पाकिस्तान इंडिया वाला सीन लग रहा है सारा, सब लोग आवाज़ें मार मार के कह रहे हैं ले लो हमारे से ले लो, ये देखो इस तरह यहाँ से मिल रहा है, ये देखो बैंगन वगैरह सब कुछ, यहाँ पे फ्रूट्स ऐसे पड़े हैं, ये दुबई की सबसे बड़ी वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट है, ये देखो इस टाइप का भी मिलता है यहाँ से। मैंने ये बेर ली है, बेरों की बोरी ली है, अच्छा लगा, मैंने ट्राई किया था वैसे तो, मैं वैसे देख नहीं आया था मार्केट, पर मैंने सोचा कि आप लोगों को एक्सपीरियंस दे दूँ एक, तो एक काफ़ी ज़बरदस्त मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्सपीरियंस है। देख रहे हो ये कार्ड्स लेके घूम रहे हैं, इसके अंदर सामान रख के लेके जाने के लिए, शॉपिंग मॉल्स में तो दूसरी होती है ना, ये 5 दिरहम चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे बोरियाँ मिल रही हैं आलूओं की, देख रहे हो